वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 6, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक? फ्रेंड्स, इस चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्रिक ही क्यों रखा गया, इसके बारे में सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। व्हाई ट्रिग्नोमेट्रिक? एंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हमेशा एक राइट एंगुलर ट्रायंगल के अंदर वर्क करता है। राइट एंगुलर का मीनिंग एज यू वेल नोन, राइट एंगल मीन्स दैट 90 डिग्री। देयरफॉर हियर वी कंसीडर दिस इज द 90 डिग्री। ये थ्री डिस्टेंसेस, साइड नंबर 1, साइड नंबर 2, साइड नंबर 3। फ्रेंड्स, यहां पर 3 एंगल्स है एंड 3 ही डिस्टेंसेस है, 3 ही मेजर्स है। तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड, तो ट्राइग्नो प्लस मैट्रिक, मैट्रिक का जो मीनिंग होता है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस किसकी? साइड्स की। और साइड्स कितनी है यहां पर? 3। इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वर्ड यहां पर इन्वेंटेड हो रखा है और इसी पर्पज के अकॉर्डिंग इसको ट्रिग्नोमेट्रिक कहा गया। और यहां पर टोटल 6 टाइप्स के साइड्स के रेशियो लिए जाते हैं, इसीलिए इन साइड्स के रेशियो को टोटल वर्ड नाम दिया गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो दिस इज द बेसिक ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, व्हाई द नेम ट्रिग्नोमेट्रिक एंड व्हाई रेशियो। रेशियो क्यों? क्योंकि यहां पर टोटल 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज लिए जाएंगे। करस्पॉन्डिंगली नेम है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इन सभी का जो बेसिक्स है वो आप क्लास 9th के अंदर ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर उसका एडवांस लेवल लिया जाएगा। तो इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अकॉर्डिंग यहां पर आपके न्यू फॉर्मूले बनते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये क्यों लिखे जाएंगे इसके अकॉर्डिंग, इसको जस्ट लास्ट में डिस्कस किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके फॉर्मूले मैं लिखता हूं। हेयर पी स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, बी स्टैंड फॉर बेस एंड एच स्टैंड फॉर हाइपोटेनियस। अब विच इज द परपेंडिकुलर, विच इज आवर बेस एंड विच इज द हाइपोटेनियस, फर्स्ट वी विल डिस्कस दिस। लेट अस कंसीडर अ ट्राइंगल विच हैज राइट एंगल एट दैट। नाउ फ्रेंड्स, जो 90 डिग्री होता है उसके जस्ट जो अपोजिट साइड होती है, जिसको लॉन्गेस्ट साइड भी कहा जाता है, दैट आर नोन एज हाइपोटेनियस। अब फ्रेंड्स, विच इज परपेंडिकुलर एंड विच इज बेस। फ्रेंड्स, ये फिक्स नहीं है यहां पर परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, ये डिपेंड करेगा आपको एंगल कौन सा दे रखा है। हियर इफ वी कंसीडर दैट एवर एंगल थीटा इज दैट, देन थीटा के जो जस्ट अपोजिट होगा वो हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, तो विच इज द रिमेनिंग पार्ट? बेस। देयरफॉर दिस इज आवर बेस। एंड फ्रेंड्स, इफ इन एनी क्वेश्चन थीटा इज दैट 90 डिग्री इज दिस, देन विच इज आवर परपेंडिकुलर एंड विच इज आवर बेस। तो फर्स्टली 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनियस होगा, फिक्स। अब इस बार थीटा यहां गिवन है, तो थीटा के जस्ट अपोजिट यहां कौन हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और जो थर्ड पार्ट बचा, हाइपोटेनियस हो गया, बेस हो गया, तो थर्ड सॉरी हाइपोटेनियस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो यहां पर ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बेस। तो फ्रेंड्स, इसको फिक्स ऐसे मत कंसिडर कर लीजिएगा कि जो नीचे है वही बेस होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। जो थीटा गिवन होता है उसके जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनियस फिक्स होगा, एंड देन द रिमेनिंग पार्ट विल बी आवर बेस। अब यहां पर फ्रेंड्स, इसको शॉर्ट वे के अंदर आपसे टोटल 6 फॉर्मूले इसी से जनरेट किए जाएंगे। तो यहां पर आपको इस सीक्वेंस को मेमोराइज रखना है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इन वर्ड्स को फिक्सली मेमोराइज कर लीजिएगा, वर्सेस साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। These are the 6 trigonometric ratio. क्यों? क्योंकि ये साइड्स के रेशियो को
शो करते हैं और इनका फॉर्मूला वन बाय वन मैं यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। नेक्स्ट कॉस का फॉर्मूला होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉट थीटा का फॉर्मूला होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा का फॉर्मूला होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस एंड कोसेक थीटा का फॉर्मूला होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इन सारे फॉर्मूले को लिखे साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स इस टाइप से लिख लीजिएगा ताकि आपके कभी कोई भी गलती ना हो। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक क्या लिखा था पी बी पी एच एच बी। तो साइन का फॉर्मूला बन रहा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस। नेक्स्ट फ्रेंड्स कॉट थीटा का फॉर्मूला बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहां फ्रेंड्स आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर बाय बेस एंड बेस बाय परपेंडिकुलर जस्ट एक दूसरे के रिवर्स है। तो एक फॉर्मूला मैं यहीं पर आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि जो कॉट का फॉर्मूला होता है वो 1 बाय 10 होता है। नेक्स्ट सेक का फॉर्मूला बेस सॉरी सेक का फॉर्मूला हाइपोटेनियस बाय बेस। तो ये जस्ट किसका रिवर्स है कॉस का। कॉस का होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। सेक का फॉर्मूला हाइपोटेनियस बाय बेस मींस दैट जो सेक है वो वन अपॉन कॉस थीटा भी होता है। एंड लास्ट वन फॉर्मूला इज फॉर कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला आपने जनरलाइज हुआ हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। और यहां देखिए फ्रेंड्स कोसेक किसका जस्ट इनवर्स फंक्शन आ रहा है साइन थीटा का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस एंड दिस इज आवर हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर मींस दैट कोसेक का फॉर्मूला बना 1 अपॉन साइन थीटा। तो फ्रेंड्स वन बाय वन यहां पर मैंने आपसे 9 फॉर्मूले डिस्कस किए हैं। विच ऑफ वन फर्स्ट साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस नंबर 1 फॉर्मूला। कॉस का फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेनियस नंबर 2 फॉर्मूला। टेन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस नंबर 3 फॉर्मूला। कॉट का फॉर्मूला बेस बाय परपेंडिकुलर नंबर 4। नंबर 5 सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय बेस एंड नंबर 6 कोसेक इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। एंड 3 आइडेंटिटीज यहां पर कंसीडरेशन की है। कॉट थीटा किसके इक्वल होता है 1 अपॉन 10 और 10 किसके इक्वल होता है 1 अपॉन कॉट। साइन थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है 1 अपॉन कोसेक और कोसेक इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है 1 अपॉन साइन। कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा किसके इक्वल कंसीडर होगा 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहां पर फ्रेंड्स देखें क्लियर कट जो साइड्स का रेशियो आ रहा है और इसी वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वर्ड जो है नाम इस चैप्टर का रहा है। अब फ्रेंड्स यहां पर आपके सिलेबस के अंदर इस बार जो एडवांस वर्जन है इसके अंदर सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि ये आपने लास्ट ईयर पढ़ ही रखे हैं इसके अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक टेबल बनाने के लिए मेमोराइज की जाएगी। तो फ्रेंड्स देखें एक टेबल किस टाइप से जनरेट होगी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक थीटा। तो फ्रेंड्स देखें 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री
इन डिग्रीज पर इन सब की वैल्यूज आप लोगों को मेमोराइज होनी चाहिए। और जब भी बोर्ड एग्जामिनेशन हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करे आपको एक टेबल वहां पर जनरेट कर देनी है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का फिक्स आता है, जिसमें आपको कुछ नहीं उन सब की वैल्यूज को पुटअप करना है एंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, इस टेबल को कैसे मेमोराइज करते हैं और किस टाइप से बनाएंगे इसको ध्यान से समझें, और कम से कम 2 से 3 बार इस चीज को देखिएगा और फिर खुद बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस टेबल में आप जैसे ही इस टाइप को फिक्सअप करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लाइन आपको मेमोराइज रखनी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 and 1। तो साइन के जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो आप डायरेक्टली मेमोराइज रख लें। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। अब फ्रेंड्स, इन सारों को आपको थ्रू अ लॉजिक मेमोराइज रखना है और किस टाइप से इस टेबल को जनरेट किया जा रहा है वो ध्यान से देखें। अभी अभी फ्रेंड्स मैंने कहा जो कोसेक है वो साइन का जस्ट रिवर्स होता है, इसी टाइप से सेक जो कॉस है और सेक है वो रिवर्स होते हैं, और जो टेन और कॉट है वो जस्ट आपस में रिवर्स होते हैं। तो जैसे ही आपको ये लाइन मेमोराइज रहती है, कॉस की वैल्यूज किस टाइप से फाइंड आउट होगी, जस्ट इसको पीछे की डायरेक्शन से आप प्रीवियस डायरेक्शन से लिखेंगे, 1/√3/2, 1/√2, 1/2 and 0। नाउ फ्रेंड्स, यहां पर एक फॉर्मूला बता रहे हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन बाय कॉस। तो फ्रेंड्स यहां पर जस्ट कैलकुलेशन छोटी छोटी करके दिखा रहे हैं, 0/1, 0 में 1 का डिवाइड किया साइन बाय कॉस, तो टेन 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 0/1 होता है 0। नेक्स्ट फ्रेंड्स, 1/2 में √3/2 का डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय √3/2, 2 2 का 2 आ, तो वैल्यू कितनी मिली, 1/√3। नेक्स्ट फ्रेंड्स, 1/√2 में 1/√2 का डिवाइड किया तो यहां पर वैल्यू कंप्लीट कट होने पर मिली 1। नेक्स्ट फ्रेंड्स, √3/2 में 1/2 का डिवाइड करेंगे, 2 2 कट, √3/1 √3 and 1/0। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, स्टिल 1/0 इज नॉट डिफाइंड, और जो नॉट डिफाइंड है उसको यहां पर समथिंग बाय जीरो अभी तक इनफाइनाइट लिख के आ रहे हैं, बट आप यहां पर वर्ड यूज लेंगे नॉट डिफाइंड, जहां से आपके क्वेश्चन बनता भी नहीं है, जो क्वांटिटी डिफाइन ही नहीं है अभी तक उस पर आपके क्वेश्चन आएगा भी नहीं। नेक्स्ट, कॉट वाला किस टाइप से लिखेंगे, अगेन इसको पीछे की डायरेक्शन से लिखेंगे, इनफाइनाइट √3, √1, 1/√3 and 0। अब फ्रेंड्स देखें, sec का फॉर्मूला यहां पर लिख रखा, sec = 1/cos, cos = 1/sec, मींस दैट ये cos का जस्ट रिवर्स है, तो जस्ट आप इसमें 1/1 करेंगे 1, इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए रिवर्स, 2/√3, इसमें इसको रिवर्स करें √2/1, √2, 2 ऊपर 1 नीचे तो 2/1, 2, और यहां पर cos इक्वल्स टू sec इक्वल्स टू का 1/cos मींस दैट 1/0, और 1/0 की वैल्यू हो जाएगी अगेन इनफाइनाइट। और जैसे ये लाइन मिलती है आपको अगेन प्रीवियस से, इसको लिख दीजिएगा इनफाइनाइट 2 √2, 2/√3 and 1। तो फ्रेंड्स, इस टेबल को किस टाइप से जनरेट कर रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर के लिए। अगर आपको ये टेबल बनाना आ जाती है तो पीछे रिमेनिंग ओनली जो है कैलकुलेशन रहती है, आप कैलकुलेशन स्ट्रांग होने पर आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। फ्रेंड्स, इस टेबल को अगेन डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा किस टाइप से बनाते हैं, 2 बार आप अगेन देखना और उसके बाद प्रैक्टिस करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक
एंड कोसेक। जैसा कि फ्रेंड्स का फर्स्ट लाइन आपको मेमोराइज रखनी है, क्या होगा, जीरो, वन बाई टू, वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ टू, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री बाई टू एंड वन। नेक्स्ट कॉस की वैल्यूज कैसे आएगी, प्रीवियस से लिखना है वन स्क्वायर रूट ऑफ थ्री बाई टू, वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ टू, वन बाई टू एंड जीरो। जैसे ही साइन एंड कॉस मिलता है टेन, टेन के लिए फॉर्मूला है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो वन बाय वन डिवाइड करना है, जीरो अपॉन वन, जैसा कि अभी बताया जीरो। वन बाय टू में रूट थ्री बाय टू का डिवाइड कराओगे, टू से टू कट हो जाएगा, वन अपॉन रूट थ्री। वन बाय रूट टू में वन बाय रूट टू का डिवाइड, किसी सेम चीज में उसी सेम क्वांटिटी का डिवाइड लगवाने पर वैल्यू वन, टू से टू कट, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री बाय वन, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री एंड वन बाय जीरो। तो समथिंग बाय जीरो इज इक्वल टू इनफाइनाइट, जिस वर्ड इनफाइनाइट इज अनडिफाइंड, डिफाइन नहीं है अभी तक, एग्जिस्ट नहीं कर रखा। नेक्स्ट क्वाड के लिए कैसे, इसको अगेन रिवर्स की तरफ से देखना है, इनफाइनाइट स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, वन, वन बाय रूट थ्री एंड जीरो। फोर मिल जाने के बाद में सेक वाली, तो सेक के लिए आपको इस कॉस का रिवर्स करना है, तो सेक थीटा होता है, उसका फॉर्मूला होता है वन बाई कॉस, तो वन अपॉन कॉस की वैल्यू कितनी है यहां पर वन, तो वन अपॉन वन की वैल्यू वन, वन अपॉन रूट थ्री बाई टू करोगे तो रिवर्स करना है सिंपल सा, टू बाई रूट थ्री, इसमें रिवर्स करना है मीन्स द रूट टू बाई वन, यानी रूट टू, टू बाई वन टू, और वन अपॉन जीरो इनफाइनाइट। और कॉसेक कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनफाइनाइट टू स्क्वायर रूट ऑफ टू, टू बाय रूट थ्री एंड वैल्यू वन। तो इस टाइप से फ्रेंड्स अब जो भी अपन आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, और हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे आपके कॉपी में ये नोट डाउन किया होना चाहिए, ताकि वहां से आप वैल्यूज फटाफट से देख सकें कि उसकी वैल्यू कितनी है, और उसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स इन पर बेस्ड क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, एक्सरसाइज जो आपके सिक्स बोर्ड कॉपी में है, तो उसका क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स लीजिए आपके एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 6.1 पेज नंबर 101 पर है आपके बुक के अंदर, आप देखिएगा, और इसके स्क्रीनशॉट आपको जो है ग्रुप के अंदर मिल भी जाएंगे। 2 साइन 45 कॉस 45, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फिक्स आता है। तो यहां पर आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए फर्स्ट क्राइटेरिया यही है कि आपको टेबल आनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो अगर आपके पास ये टेबल होती है तो साइन 45 की वैल्यू कितनी है 1 बाय रूट 2, और कॉस 45 की भी वैल्यू कितनी है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। इन दोनों वैल्यूज को यहां पर पुट कर दिया जाता है, 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1 बाय रूट 2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू 1 बाय रूट 2। अब फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, रूट 2 इंटू रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 2, जैसे ही आप 2 से 2 कट करेंगे वैल्यू मिलेगी आपको 1, जो कि इस क्वेश्चन का होगा आपके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, कॉस 45 कॉस 60 माइनस साइन 45 साइन 60, आपके कॉपी पे आपके पास ये वैल्यूज होगी, जरा इनको देखिएगा, मैं वैल्यूज लिखता हूं। कॉस 45 की वैल्यू 1 बाय रूट 2, कॉस 60 की वैल्यू 1 बाय 2 माइनस साइन 45 की वैल्यू अभी यूज ली जस्ट 1 बाय रूट 2 एंड साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2। तो फ्रेंड्स यहां देखिए 1 इंटू 1 1 बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। नाउ फ्रेंड्स यहां पर एलसीएम लेते हैं,
तो स्टूडेंट्स देखें, दोनों में ही सेम क्वांटिटी है तो एलसीएम 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही आया। तो जब भी बेस जो डिनोमिनेटर है वो सेम होता है तो आपको न्यूमरेटर की क्वांटिटी भी एज इट इज लिख देनी है। तो ये फ्रेंड्स इसका आंसर होता है। आगे फ्रेंड्स इसको आप चाहे तो रैशनलाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ रहा है। देयरफॉर इफ रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट ऑफ 2 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आगे एक और आंसर बन सकता है 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 अपॉन में रूट 2 इंटू रूट 2 2 एंड 2 टू जा 4। दिस इज अवर फाइनल आंसर। आंसर शीट में देख लीजिएगा, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। अगेन फ्रेंड्स मैं आपको उस पेज पर ले जाता हूं जहां पर वैल्यू है साइन 30 कॉस 45 और टेन 60 की चाहिए। साइन 30 1 बाय 2 कॉस 45 1 बाय रूट 2 एंड टेन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3। इन सारी वैल्यूज को अपन वहां पर पुट अप करते हैं। तो देखें साइन 30 1 अपॉन 2 इसका क्या करना है स्क्वायर करना है प्लस 2 कॉस 45 क्या वैल्यू थी स्टूडेंट्स 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 और यहां पर भी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर किया जाएगा प्लस 3 टेन 60 टेन 60 की वैल्यू फ्रेंड्स थी स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखें 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। तो जब भी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट रिमूव हो जाता है तो यहां वैल्यू क्या आएगी 3। नाउ फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं और हमेशा ध्यान रखें कट करने से पहले आप कभी भी बीच में प्लस हो तो इस टाइप से कट नहीं कर सकते, हमेशा कट करने के लिए बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो यहां पर एक वैल्यू कट हो रही है आपके 2 से 2 कट हुआ तो 1 बाय 4 प्लस 1 प्लस 3 थ्री जा 9। नाउ फ्रेंड्स इसको ऐड करना है तो ऐड करने के लिए सबसे पहले इसका एलसीएम लेना होगा। नीचे डिवाइड बाय 1 लिखा 411 का एलसीएम जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे 41 जा 4 तो इस 411 का एलसीएम क्या आया 4। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे 4 की टेबल कितने टाइम काउंट करेंगे तो 4 आएगा 1 टाइम, उस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 1। अगेन फ्रेंड्स 4 की टेबल 1 टाइम काउंट करेंगे तो 4 आएगा और उस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया 1। नाउ 1 की टेबल कितने टाइम काउंट करने पर 4 आएगा 4 टाइम्स 1 इंटू 4 4। अब उस 4 को इस ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाना है 4 प्लस अगेन 1 की टेबल कितने टाइम काउंट करेंगे 4 टाइम्स 4 9 जा 36। नाउ फ्रेंड्स सारा इक्वल हो जाने के बाद में इस सबको ऐड करते हैं 36 प्लस 4 40 एंड 40 प्लस 1 41 डिवाइड बाय 4 जो कि इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 3 साइन 60 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 60 डिग्री। तो 3 साइन 60 की टेबल में देखिएगा वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2 माइनस 4 साइन 60 का क्यूब तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2 का क्यूब। क्यूब का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स क्वांटिटी 3 बार मल्टीप्लाई होगी रूट 3 बाय 2 रूट 3 बाय 2 रूट 3 बाय 2। अब फ्रेंड्स देखें सब मल्टीप्लाई में है तो कट हो सकता है कट करते हैं 2 इंटू 2 कितना होगा 4 इस 4 से 4 कट हो गया 3 रूट 3 बाय 2 माइनस अगेन यहां पर भी देखें फ्रेंड्स रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होगा 3 ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 और अपॉन में फ्रेंड्स क्या मिल रहा है 2। सेम फ्रेंड्स 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2 जैसे ये दोनों कट होंगे प्लस और माइनस तो इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 0 जो कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा।
नेक्स्ट फ्रेंड्स देखें, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 30 प्लस 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू करते हैं 5 cos 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sin 30 डिग्री का स्क्वायर, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस 1045 1 का स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज फ्रेंड्स आप कहां से लेकर आएंगे, उसी टेबल में से, अपॉन साइन 30 डिग्री का स्क्वायर, तो साइन 30 1/2 स्क्वायर प्लस कॉस 45 1/√2 स्क्वायर। नाउ फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 × 5 5/2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4/4 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/√2 का स्क्वायर 2। नाउ फ्रेंड्स इसको ऐड करना है, यहां 4 से 4 देखें कट हुआ तो वैल्यू कितनी आई 1। तो फ्रेंड्स देखिएगा 5/4 प्लस 1 + 1 कितना हो गया 2 डिवाइड बाय, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 1/4 प्लस 1/2। नाउ फ्रेंड्स देखें, नाउ देखिएगा सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर अलग से सॉल्व होगा, डिनोमिनेटर अलग से सॉल्व होगा। 4 और 1 का एलसीएम 4, 4 की टेबल कितने टाइम काउंट करेंगे तब 4 आएगा 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 प्लस 1 की टेबल कितने टाइम काउंट करेंगे 4 आएगा 4 टाइम्स, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2 = 8 डिवाइड बाय, यहां पर 4 और 2 का एलसीएम तो लेके देख लीजिए फ्रेंड्स, 4 और 2 का एलसीएम 2 की टेबल 2 टाइम, 2 की टेबल 1 टाइम, अगेन 2 का जाएगा 1, 1, तो देखिए 2 × 2 = 4, तो 4 और 2 का एलसीएम मिला 4, 4 की टेबल कितने टाइम काउंट करने पर 4 आएगा 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 2 की टेबल कितने टाइम काउंट करने पर 4 आएगा 2 की टेबल 2 टाइम काउंट करने पर 4 आएगा, और 2 को इसके न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए 2 × 1 = 2 = 3। नाउ देखें 5 प्लस 8 की वैल्यू कितनी होती है 13/4, न्यूमरेटर में कितना आ रहा है 13/4 डिवाइड में, डिवाइड में है 2 + 1 = 3/4। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखें 13/4 ये डिवाइड है, तो छोटी क्लासेस में हमने कंसेप्ट सीख रखा है डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने पर ये आगे जो वैल्यूज होती है उनको रिवर्स कर दिया जाता है, 4/3 4 से 4 कट हुआ तो वैल्यू आई 13/3 जो कि इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर। अगर आपको इन क्वेश्चन से कुछ प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स तभी अपन ने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 5, 5 cos स्क्वायर 60 4, यहाँ पर फ्रेंड्स इसका आंसर जो आंसर शीट के अंदर है वो 67/12। अब आप कहेंगे वो कैसे, तो फ्रेंड्स वहां पर बुक के अंदर आपके बाय मिस्टेक यहाँ पर साइन लिख रखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, जबकि 67/12 आंसर लाने के लिए यहाँ पर आपको साइन का यूज नहीं करके कौन सा यूज करना है साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स होम असाइनमेंट है, यानी आप इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे और आंसर देखेंगे कि 67/12 आया है या नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। तो देखिए फ्रेंड्स 4 cot 45 की वैल्यू 1 ये स्क्वायर माइनस sec 60 की वैल्यू, sec 60 की वैल्यू देखते हैं sec 60 2
sec 60 की वैल्यू 2 और ये 2 का स्क्वायर प्लस sin 60 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2 और स्क्वायर प्लस cos 90 की वैल्यू 0 0 का स्क्वायर 4 इंटू 1 1 स्क्वायर 1 1 इंटू 4 4 माइनस 2 स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 स्क्वायर 3 by 2 square 4 plus 0 square 0 4 minus 4 kitna hota hai 0 cut ho gaya and 3 by 4 plus 0 3 by 4 hi aayega jo ki required answer hai. Next question lete hain. 4 upon cot square 30 degree plus 1 upon sin square 30 degree minus cos square 45 degree. So again iski values dekhiye students table mein. कॉट 30 की वैल्यू टेबल में देखिएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2 होती है माइनस कॉस 45 की वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 होती है जिसका कि क्या करना है होल स्क्वायर करना है. अब देखेंगे 4 by square root of 3 का square 3 plus 1 upon 1 का square 1 2 का square 4 minus 1 upon root 2 का square 2. अब यहां 1 upon division में है तो just divide को multiply में convert करने पर 4 ऊपर चला जाएगा 1 denominator में आ जाएगा 4 by 3 plus 4 by 1 minus 1 by 2. अब इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके 3 1 और 2 का एलसीएम 3 की टेबल 1 टाइम 2 की टेबल 1 टाइम 3 2 जा 6 3 की टेबल स्टूडेंट्स कितने टाइम काउंट करेंगे 6 आएगा 2 टाइम काउंट करने पर 6 आएगा 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 4 जा 8 1 की टेबल कितने टाइम काउंट करने पर 6 आएगा 6 टाइम 6 को 4 से 6 4 जा 24 माइनस 2 की टेबल 3 टाइम 6 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 3 नाउ देखें 24 माइनस 3 कितना हो गया 21 24 माइनस 3 21 21 प्लस 8 29 by 6. तो ये फ्रेंड्स होता है अपना क्वेश्चन नंबर 7. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.